चलो इधर देखो, हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे मोल कंसेप्ट, और मोल कंसेप्ट का पूरा जितना भी कंसेप्ट था सारा कुछ हम लोग क्लियर कर चुके हैं। एक बार अगर रिकैप करना चाहे तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो सर इसमें हम लोग फॉर्मूला देखे चार फॉर्मूला था। पहला फॉर्मूला था मोल निकालने का, वो क्या था, ऊपर था सर गिवन वेट और नीचे क्या होता था उसका मोलर वेट, ये तो पहला फॉर्मूला था। उसी प्रकार से सेकेंड में जाते हैं सर, तो मोल निकालने का फॉर्मूला था, ऊपर क्या होता था नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यही होता था। उसके बाद डिवाइड करते थे किससे, अवोगाड्रोस नंबर से, क्या बात समझ में आ गया। फिर थर्ड पॉइंट हम लोग जाते हैं, तो इसमें था मोल, तो मोल बराबर था ऊपर वॉल्यूम, क्या था वॉल्यूम, और ये जो वॉल्यूम होता था उसको लीटर में लेते थे और नीचे डिवाइड करते थे 22.4 से। लेकिन ये फॉर्मूला तब अप्लाई करते हैं जब हमें बोला जाए कि वो एस टी पी कंडीशन पे है या तो फिर एन टी पी कंडीशन पे, कोई दिक्कत। उसके बाद फोर्थ था जिसमें से अगर कोई भी टेम्परेचर दिया रहे, कोई भी वॉल्यूम दिया रहे या फिर कोई भी किसी तरह का चीज़ रहे, तो उसके लिए हम लोग अप्लाई करते हैं पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, मतलब प्रेशर कुछ भी हो, टेम्परेचर कुछ भी हो, अगर वहाँ पे हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स निकालने बोले तो ये फॉर्मूला से निकालते हैं, जहाँ पे एन क्या बताता है नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ से हम लोग बोलते हैं कि मोल बराबर अगर निकालेंगे तो ये दोनों इसके नीचे चल जाएगा, तो हो जाता था पी वी और अपॉन में क्या होता था आर टी, तो ये होता था हम लोग को क्या चीज फॉर्मूला। उसके बाद बोले थे शॉर्टकट तरीका, क्योंकि जितना भी इस तरह का फॉर्मूला है बनेगा इसी से, लेकिन यहाँ से माइंड काम करना थोड़ा बंद हो जाता है क्योंकि हम लोग को जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व भी करना होता है, तो अगर इस प्रकार से चलेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग चले थे शॉर्टकट, तो शॉर्ट ट्रिक क्या था, तो हम लोग वाई से पढ़ते थे, किसे पढ़ते थे वाई, कि अगर ये अंतर को अगर जान जाते हैं, सिर्फ सिंपल है इतना, अगर इसके बारे में हम लोग दिमाग में छाप लेते हैं तो चाहे कोई भी क्वेश्चंस पूछे मोल कंसेप्ट से आसानी से जवाब दे पाएंगे। इसके लिए क्या बोले थे कि जो बीच वाला पोर्शन है, जो चौराहा है यहाँ पर, अच्छा तीनेक है ना, चौराहा नहीं बोल सकते ना, क्या बोलेंगे तीन रोड वाला को, चलो यहाँ पे क्या होता है मोल, नीचे हम लोग लिख देंगे वॉल्यूम, नीचे क्या रहेगा वॉल्यूम, इधर रहता है हम लोग को नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और इधर हम लोग ले लेते क्या चीज वेट। तो यहां पर दो दो एरो लेते थे, टू लेन है यहां पे, ठीक है, तो एक रहता है इधर और एक रहता है इधर, एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा, एक उसी तरह से ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा। अगर मोल से इधर जाएंगे तो इसके लिए इनटू करते हैं, और इधर से इधर जाएंगे मतलब मोल तरफ अगर कभी भी जाओगे, चाहे इधर से इधर आओ, इधर से इधर आओ या फिर इधर से इधर आओ, हमेशा क्या करना पड़ता था डिवाइड। तो जैसे इधर से इधर आएंगे सर, हम लोग जानते हैं डिवाइड करना पड़ेगा, इधर से इधर आ रहा है क्या करना पड़ेगा डिवाइड, इधर से उधर जा रहे हैं तब भी क्या करना पड़ेगा डिवाइड, अगर वॉल्यूम तरफ से जा रहे हैं तो इसमें हम लोग डिवाइड करना पड़ता है 22.4 से, और पार्टिकल तरफ से आते हैं तो इसमें डिवाइड करना पड़ता है अवोगाड्रो नंबर से, इधर से इधर आते हैं तो इसमें डिवाइड करते हैं किससे, उसका मोलर वेट से, के दिमाग में छप गया। और जैसे इधर है बस उसका जस्ट उल्टा, इधर से इधर आने के लिए क्या किए डिवाइड, इधर से इधर जाने के लिए क्या करेंगे इनटू, तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं इनटू किससे मोलर वेट से। उसी प्रकार से इधर से इधर जाने, उधर से इधर आने के लिए क्या कर रहे थे डिवाइड, इधर से इधर जाने के लिए इनटू किससे, सेम चीज से, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा इनटू करेंगे अवोगाड्रोस नंबर से। उसी प्रकार से यहां जाने के लिए हम लोग डिवाइड कर रहे थे, तो उल्टा आने के लिए क्या करेंगे इनटू कितना से 22.4 से। तो ये चीज हम लोग दिमाग में छाप लोगे, आराम से हम लोग बना लेते थे। कभी वेट देता था पूछता क्या था वॉल्यूम, तो यहां से यहां जाएंगे मतलब इधर वाला एरो को फॉलो करेंगे, तो जैसे इधर से इधर आते क्या करते हैं हम लोग डिवाइड, तो जो वेट रहेगा उसमें मोलर वेट से डिवाइड करेंगे, फिर यहां से यहां पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा इनटू, तुरंत इनटू करेंगे आ जाएगा। तो ये सब हम लोग फॉर्मूला को देख चुके थे। अब तुम लोग न्यू हो तो तुम लोग को थोड़ा सा ऊपर ऊपर गया होगा, खैर ज्यादा टेंशन मत लेना, सिर्फ हम लोग को चार क्लास हुआ है, कितना हुआ है चार क्लास, वीडियो पढ़ा हुआ रहेगा ठीक है, नॉर्मली जो यहाँ पे हम लोग पढ़ाएं बस यही चीज़ क्या है रिकॉर्ड किया हुआ है, तो जा करके आराम से देख लेना। बाकी अगर कुछ भी डॉट होता है, कुछ भी कभी भी, चाहे तुम्हारा घर में कुछ डॉट रहे या फिर कोचिंग में आने के बाद कुछ डॉट रहे, बेहिजक हमसे पूछना, बात को समझ रहे हो, तो थोड़ा सा कोशिश करना वीडियो से थोड़ा चार लेक्चर्स को कंप्लीट कर लेना, क्योंकि देखो ये सब फिर से समझाया नहीं जा सकता क्योंकि बहुत सारा हम लोग टाइम यहाँ पे स्पेंड कर चुके हैं, ठीक है। तो आगे का जो कंसेप्ट रहेगा ये सब धीरे धीरे समझने के प्रयास करना, जैसे आज से हम लोग नया टॉपिक ही शुरू करने वाले हैं जिसका टॉपिक का नाम है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट,
क्या बात करने वाले हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब ये क्या होता है, तो इसमें हम लोग यूज करेंगे क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट। किसका यूज करेंगे, क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसमें हम लोग क्या करते थे, बैलेंस क्या करते थे, क्या करते थे, बैलेंस। तो हम लोग यहाँ पे जैसे मान के चलो हम लोग वाटर को बनाने जा रहे हैं, तो वाटर कैसे बनता है सर, H2 करते हैं, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते थे, तो हम लोग को बनता क्या था, वाटर बनाता था, यही बनाता था। अब इसको हम लोग बैलेंस करना पड़ता था। अच्छा, बैलेंस क्यों करते थे, एक को क्वेश्चन पूछता था 3 मार्क्स में, या फिर हाँ 3 ही मार्क्स में पूछता था कि आखिर रासायनिक, कौन कौन हिंदी मीडियम से है सब, हाँ तो ऑब्वियसली बात है जानता होगा, पूछता था हमेशा, कभी ना कभी पूछा होगा या फिर टीचर तो लिखवाता ही होगा, क्वेश्चन आता था कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों जरूरी होता है या फिर क्यों अनिवार्य होता था कि नहीं। जैसे हम लोग चैप्टर को शुरू करते थे फर्स्ट क्वेश्चन यही लिखाया जाता था, बताओ क्यों करते थे, ताकि सर हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि हमेशा हमले कोई भी रिएक्शंस रहेगा तो उसमें रिएक्शंस के दौरान द्रव्यमान संरक्षण का नियम को लागू करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। कहने का मतलब, आखिर ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, इंग्लिश में थोड़ा समझ लो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सुना होगा बिल्कुल। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता था, तो सर कभी भी रिएक्शंस होता है तो यहाँ पे 2 चीज के बारे में हम लोग बात करते हैं, एक तो लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। लेफ्ट साइड वाला को हिंदी मीडियम वाला बोलता था इसको अभिकारक, क्या बोलता था, अभिकारक। इंग्लिश मीडियम वाला बोलता है रिएक्टेंट, क्या बोलता है, रिएक्टेंट। दोनों हम लोग यहां पे लिखते जाते हैं, इसको बोलते थे हिंदी में अभिकारक और इंग्लिश वाला क्या बोलता था, रिएक्टेंट। उसी प्रकार से इसको बोलते थे हम लोग प्रोडक्ट, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं उत्पाद, क्या बोलते थे, उत्पाद। और ये जो एरो होता है, ये एरो रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्शन हो रहा है, तो इसी को इंग्लिश वाला बोलता था रिएक्शन, इसको क्या बोलता था, रिएक्शन, या और हिंदी वाला बोलता था अभिक्रिया, क्या चीज बोलता था, अभिक्रिया। कोई दिक्कत, अब ऐसा नहीं, भेदभाव नहीं हो रहा है कि सर इंग्लिश वाला खाली बताया, हिंदी वाला नहीं बताया, हिंदी वाला बताया, इंग्लिश वाला, देखो सभी बता दिए। देखो हम लोग क्या बोलते थे कि कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो रिएक्शन से पहले लिखा होता है उसी को क्या बोलते थे, अभिकारक बोलते थे, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। जो देखो इन लोग के बिना क्या रिएक्शन हो पाएगा क्या, नहीं, क्योंकि यही सब तो आपस में टक्कर होता है, यही सब लड़ता झगड़ता है और यही सब खत्म होता है और ये चीज़ क्या होता है, बनता है। क्लियर है यहाँ तक, तो हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि जो रिएक्टेंट होता था जिसको हम लोग अभिकारक के नाम से जानते थे, और जो प्रोडक्ट होता था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलता है, कि कभी भी रिएक्शन करने के दौरान, कभी भी रासायनिक अभिक्रिया होने के दौरान, ना ही वहां पर जो मास होता है, जो वहां पे वजन वगैरह होता है, ना ही उसका उत्पन्न होता है और ना ही उसका ह्रास होता है। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि रिएक्शन यहां पर हो रहा है और यहां पर जो मास की संख्या होगी वो बढ़ जाएगा, और ऐसा भी नहीं कि मास की संख्या खत्म हो जाएगा, मतलब जितना मास लिए थे उतना ही मास अभी भी बनेगा। यही हम लोग को कौन बताता था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसी चलते अभी जब यहां पे देखेंगे हाइड्रोजन कितना है, 2 गो, इसका मतलब इसका जो मास होगा वो तो 2 होगा, अरे यही ना होगा, वही यहां पर देख रहे हैं हाइड्रोजन का मास तो अभी भी कितना है, 2। ऑक्सीजन का यहां पर देखने जाएंगे तो एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का कितना होता है, 32। तो इधर कितना हो गया, 32, इसमें कितना ऑक्सीजन है, 1 गो, मतलब 16। अब बताओ रिएक्शन से पहले हाइड्रोजन कितना था, 2, हाइड्रोजन अभी भी कितना है, 2, इसमें तो ठीक है, लेकिन वही रिएक्शन से पहले जो ऑक्सीजन था वो कितना था, 32, और अभी है कितना, 16। इसका मतलब सर 16 खत्म हुआ होगा, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग को कभी भी खत्म नहीं होता है, तो इसीलिए इसमें हम लोग को लॉ बना था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, जिसमें हम लोग बोलते थे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो वो बोला था कि कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना ही हम लोग को मास का उत्पन्न होता है और ना ही मास का खत्म भी होता है, वहां पर बात को समझ रहे हो। तो इसी चलते उस लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को हम लोग यहाँ पे फॉलो करने के लिए हम लोग केमिकल रिएक्शन जो होता है, क्या होता है, केमिकल जो रिएक्शन
रिएक्शन होता है, रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उसको हम लोग को बैलेंस करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? बैलेंस। क्योंकि सर जब तक हम लोग बैलेंस नहीं करेंगे तब तक उसका मास हम लोग को घटते रहेगा बढ़ते रहेगा। जैसे अभी देख रहे हैं ऑक्सीजन का हम लोग को दिक्कत हो गया था, लेकिन उसी को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर दो लिखते थे और यहाँ पर कितना लिखते थे? दो। तो अभी देखोगे हाइड्रोजन कितना हो गया? चार। अभी भी हाइड्रोजन देखोगे कितना है? चार। कैसे? दो को हाइड्रोजन पहले से था, फिर दो से मल्टीप्लाई कर दिए, तो दो और दो कितना हो जाएगा? चार। मतलब अभी भी हाइड्रोजन कितना है? चार। ऑक्सीजन अभी कितना है? दो। यहाँ पे एक है तो दो से मल्टीप्लाई मतलब दो हो गया। यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना? दो। मतलब दो ऑक्सीजन का 32, तो अभी भी कितना हो जाएगा? 32। मतलब सर हाइड्रोजन चार, हाइड्रोजन चार, ऑक्सीजन 32, ऑक्सीजन 32। क्लियर है? तो इसी के लिए अभी देख रहे हैं कि रिएक्शन से पहले भी मास ठीक है और बाद भी क्या है? ठीक है। इसी के लिए हम लोग को आया था कौन? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कोई दिक्कत? तो अब हम लोग को इसी को फॉलो करना पड़ता था। इसी चलते हर केमिकल रिएक्शन चाहे कभी भी पढ़े, अभी पढ़े, एक साल बाद पढ़े, 10 साल बाद पढ़े, बुढ़ाल के बाद पढ़े, हमेशा कोई भी रिएक्शन की बात होगा उसको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे समझना है ये बैलेंस जो हम लोग किया करते थे इसी से हम लोग को कंसेप्ट अब आगे पढ़ना है। लिखने वाला कुछ चीज़ नहीं है, ठीक है? ये सब तो हम लोग क्लास 9th और 10th का चीज़ है। बस यहाँ पे एक बार रिकैप कर दे रहे थे कि देखो याददाश्त कमज़ोर हो गया होगा तो उसको थोड़ा सा तेज कर लो कि हाँ ये सब बात कुछ कुछ होता था जो हम लोग 9th क्लास 10th क्लास में पढ़ा करते थे। अब समझो फिर से, H2+O2 बन रहा था क्या चीज़? 2H2O। यहाँ पर भी क्या था? 2। यह बैलेंस हो गया। अब सर यहाँ पर जो बैलेंस कर रहे हैं यहाँ पर कितना है? 2। यहाँ पर कितना है? कुछ नहीं, मतलब 1 तो है ही, क्योंकि सर यहाँ पे 1 लगा दीजिएगा कोई इसको फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं। तो यहाँ पर है कितना? 1। इसके पास कितना है? 2। तो अब हम लोग को समझना है कि जब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को, जब हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं तो बैलेंस करने के बाद जो यहाँ पे नंबर लिखा जाता है इस नंबर को बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। फिर से लिख देते हैं, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, कब? जब बैलेंस करने के बाद। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मैट्रिक बोलो, मैट्रिक को बोलो, बात समझ में आया? अब हम कभी भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को दिखाएंगे तो कुछ नहीं, सिर्फ हम S और C लिखेंगे। क्या इसका मतलब समझ जाओगे? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्लियर है? जैसे हम बोले थे मोल, मोल नहीं लिखेंगे बल्कि N लिखेंगे। समझ जाना कि किसका बात कर रहे हैं? मोल का बात कर रहे हैं। क्या अभी तक जितना बात बोले समझ में आया? सर ये सब कहाँ से आ रहा था? हम लोग बचपन से ही पढ़ते जा रहे थे। अब इन लोगों को सिर्फ नामकरण अलग अलग किया जा रहा है। बात को समझ रहे हो? जैसे हम लोग यहाँ पे बैलेंस करते थे, ये नंबर को कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन अब क्या बोलना पड़ेगा? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। CBSE वालों को थोड़ा सा उसी समय बता दिया जाता है, लेकिन उतना कोई समझता नहीं है 10th क्लास में। सब सोच रहे का बताया, बैलेंस करते हैं काफ़ी है, क्योंकि सर थोड़े क्वेश्चन पूछता था, लेकिन बताया जाता है कि इसको क्या बोला जाता था। तो खैर अब हम लोग सीख गए कि इसको क्या बोलते हैं? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अभी हम लोग इसको भी नहीं बोलेंगे। अब जब भी केमिकल रिएक्शंस रहता है इसको पढ़ने का तरीका बदल जाता है। जैसे ये सब ठीक था क्लास 9th तक 10th तक ठीक था, अभी भी बोलेंगे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, लेकिन अब इस केमिकल रिएक्शंस को दूसरा तरीका से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो ये जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है इसी को बोलेंगे मोल। इसी को क्या बोलेंगे? मोल। अब समझो कैसे पढ़ेंगे इस रिएक्शन को। जैसे अभी हम लोग क्या बोल रहे थे कि सर यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? चार हाइड्रोजन। चार हाइड्रोजन रिएक्शंस कर रहे हैं किससे? दो ऑक्सीजन से। तो हम लोग को बना कितना रहा है? दो मॉलिक्यूल बना रहा है। किसका? वाटर का। अरे पानी कितना बन रहा है? दो गो पानी बन रहा है। तो इसका मतलब सर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ऐसे भी बोल सकते हो, दो H2 और एक क्या चीज? O2 को जब आपस में रिएक्शंस कराते थे तो दो को हम लोग का क्या बनता है? H2O बनता था। ऐसे पढ़ते थे, वो हम लोग पढ़ते थे किसके बेसिस पे? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बेसिस पे। अब हम लोग कैसे पढ़ेंगे? मोल के बेसिस पे। कैसे पढ़ेंगे? मोल के बेसिस पे। अब देखो कैसे पढ़ेंगे कि जब हम लोग 2 मोल हाइड्रोजन को लेते हैं, क्या चीज लेते हैं? 2 मोल। जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उसको पढ़ेंगे क्या चीज? मोल। अब देखो पढ़ने का तरीका कि 2 मोल हाइड्रोजन को रिएक्शंस करवा रहे हैं किसके साथ? 1 मोल ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? 1 मोल ऑक्सीजन के साथ। तो हम लोग को बनता कितना है? 2 मोल वाटर बनता है। क्लियर है?
जो हम लोग स्टिक्योमेट्रिक को पढ़ा करते थे उसी को किस रूप में पढ़ेंगे, मोल के। तो इस रिएक्शंस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ये सब रहने देते हैं, ठीक है, काम का चीज़ है, भले सिर्फ रफ है लेकिन ये सब हम लोग को ब्रेन में बहुत कुछ हम लोग रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, इस रिएक्शंस को अगर हम लोग पढ़ना चाहें तो कैसे बोलेंगे, सर 2 मोल ऑफ H2 रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ O2 टू फॉर्म 2 मोल ऑफ H2O। कहने का मतलब देखो, जो रिएक्शन भी पढ़े ना वही चीज लिख दिए कि 2 मोल H2 रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, 1 मोल ऑक्सीजन के साथ, क्या करने के लिए, तो टू फॉर्म बनाने के लिए क्या चाहिए, 2 मोल वाटर। क्लियर है? तो इस जो हम लोग पढ़ रहे थे ना अभी कि 2 H2 1 O2 जब रिएक्शन कर रहा है तो कितना बना रहा था, 2 H2O। तो इसको मोल के टर्म में पढ़े कि 2 मोल ले रहे हैं किसको, H2 को, और 1 मोल O2 को, तो बन कितना रहा, 2 मोल H2O बन रहा है। क्या बात समझ में आया? अभी फिलहाल इसको थोड़ा सा लिख लो, उसके बाद स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट की बात करेंगे। कैसे लिखोगे, ये तो बचपन का चीज़ है कि नहीं, इसको बैलेंस किए तो बैलेंस वाला को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। और नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पर लिख देना और अच्छा से कि बैलेंस किया हुआ। देखो तुम लोग अब थोड़ा सा सीखते चल जाना, ठीक, कि नोट्स को कैसे गंदा किया जाता है, बात को समझ रहे हो? जैसे हम ये सब अपने मन से लिखा देते हैं, ये सब हम नहीं, तुम लोग को खुद लिखना होता है। जैसे मान के चलो कोई भी टॉपिक पढ़ाया तो वो तो टॉपिक ही टॉपिक में रह जाता है, लेकिन उसको बाद में फिर से एनालाइज कर सके, क्या बोले थे सर, इसका मतलब क्या होता है, तो उसको बगल में इस प्रकार से क्या करो, लिख लिया करो। अब हिंदी का यूज मत करना क्योंकि हिंदी थोड़ा सा अच्छा नोट्स में नहीं लगता देखने में, अरे हिंदी लिख रहे लेकिन इंग्लिश में लिख रहे, मतलब समझ रहे हो? तो इस तरह से थोड़ा अच्छा लगता है, सुंदर लगता है देखने में। तो बैलेंस किया हुआ नंबर को ही, नंबर को ही बोलते हैं। समझ में आ जाएगा इतने समय, इसको लिख लो, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। चलो अच्छा, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से देखो सवाल अब हम लोग को जानना है, क्या जानना है, सवाल। सबसे पहले देखें कि सर रिएक्शन जब रहता है तो रिएक्शन को पढ़ते कैसे, समझ में आ गया। अब रहा बात कि इसे सवाल कैसे पूछा जाता है, जैसे हम लोग लेते हैं H2 प्लस O2, बन क्या रहा था, CO H2O बन रहा था। क्लियर है? ये माइंड में चल रहा था कार्बन डाइऑक्साइड, इसी चलते वहाँ पे लिखा गया। देखो अब इसको बैलेंस कर रहे थे, यहाँ पे 2 आ रहा था, यहाँ पर क्या आ रहा था, 2। अब देखो इसमें सवाल क्या रहेगा, जैसे हम लोग इस रिएक्शंस के बारे में तो समझ तो गए, इसका मतलब क्या होता है कि जब हाइड्रोजन का 2 मोल लेते हैं, कितना लेते हैं, 2 मोल, तो अगर हमें वाटर बनाना है तो वाटर बनाने के लिए जो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगा वो कितना जरूरत पड़ेगा, 1 मोल। कितना जरूरत पड़ेगा, 1 मोल, मतलब 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन को लेंगे तब ये कितना बनेगा, 2 मोल बनेगा। इसका मतलब सर इससे इसका अगर रिलेशन हम लोग लेना चाहे कि अगर ये रिएक्शंस हम लोग करेंगे, इतना तो पता है इस रिएक्शंस को होने के लिए यही सवाल सेटिस्फाई करेगा। अब इन लोग से देखो रिलेशन हमें समझना पड़ेगा कैसे, अगर हमें वाटर का फॉर्मेशन करना है तो वाटर का फॉर्मेशन करने के लिए हाइड्रोजन का कितना मोल जरूरत पड़ता है, 2 मोल। कहने का मतलब अगर हम लोग 2 मोल लेते हैं हाइड्रोजन तो हम लोग वाटर कितना बनता है, 2 मोल। कितना बनता है, 2 मोल। अरे यही ना होता है, तो अगर यदि मान के चलो हाइड्रोजन को लेंगे 1 मोल तो बताओ ये कितना बनेगा, सर ये भी तो 1 ही मोल बनेगा। कैसे, क्योंकि सर रिलेशन देख रहे हैं कि जितना हम लोग हाइड्रोजन को ले रहे हैं मोल में उतना ही मोल कौन बन रहा है हम लोग को, वाटर बन रहा है। अरे रिएक्शन वही ना समझा रहा है कि अगर इसको 2 गो लेते हैं तो ये भी कितना बनता है, 2 गो। तो इसका मतलब सर जब हम लोग 2 मोल हाइड्रोजन लेंगे तो कितना मोल वाटर बनेगा, 2 मोल। उसी प्रकार से अगर मान के चलो इसमें हम छेड़छाड़ किए, क्या चीज किए, छेड़छाड़, तो जैसे मान के चलो 2 मोल था तो ये भी 2 मोल बन रहा था, अगर इसको 1 मोल लेंगे तब ये कितना बनेगा, 1 मोल बनेगा। कितना बनेगा, 1 मोल। अगर यदि मान के चलो हम सवाल में दे दे कि अगर हम 3 मोल ले रहे हैं हाइड्रोजन, कितना ले रहे हैं, 3 मोल हाइड्रोजन, अब बताओ कि जो वाटर बनेगा ये वाटर कितना मोल बनेगा,
कितना बनेगा? तीन बनेगा, क्योंकि सर हम लोग देख के जितना ये लेते हैं उतना ही कौन बनता है? वाटर भी बनता है। इसका मतलब सर अगर हमसे सवाल पूछ भी देगा ना वो गलती से कि बताओ 5 मोल अगर हम लोग H2 लेते हैं तो बताओ वाटर कितना मोल बनेगा? 5 बनेगा। अब चलो इसके बीच में रिलेशन समझ गया। अब उसी प्रकार से ऑक्सीजन कितना लेते हैं? 1 मोल, तो हम लोग को वाटर कितना बनता है? 2 मोल। इसका मतलब सर अगर यदि हम लोग 1 मोल लेते हैं किसको? 1 मोल ऑक्सीजन को लेते हैं तो जो वाटर बनता है वो कितना बनता है? 2 मोल। अगर इसका 1 मोल लेते हैं तो ये 2 मोल बनता है। बताओ ऑक्सीजन का 2 मोल लेंगे तो ये कितना बनेगा? 4 मोल। अरे बात समझ में आ रहा है? अगर मान के चलो इसको आधा लेंगे तो ये भी कितना होगा? आधा मतलब 2 से कितना बन जाएगा? 1 मोल। तो ये दोनों से क्या रिलेशन हम लोग समझ पा रहे हैं? अब रहा बात कि जब हम लोग रिएक्शंस कर करके वाटर का फॉर्मेशन करने जा रहे हैं, ये रिएक्शंस मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शंस करते हैं तो बनता क्या है? वाटर। तो अगर यदि हम बात करते हैं हाइड्रोजन और बात करते हैं ऑक्सीजन का, अब अगर तुमसे सवाल पूछा जाए कि अगर यदि इसको हम लोग 10 मोल लेते हैं, कितना लेते हैं? 10 मोल, तो बताओ अगर हम लोग वाटर का फॉर्मेशन करने गए और फॉर्मेशन करने के लिए हाइड्रोजन का कितना मोल दिया हो? 10 मोल दिया हो, तो 10 मोल हाइड्रोजन अगर दिया रहेगा तो इस वाटर को फॉर्मेशन करने के लिए जो ऑक्सीजन जरूरत पड़ रहा है ऑक्सीजन का कितना मोल लगेगा? 5 लगेगा। क्यों सर? हम लोग रिलेशन जान रहे हैं ये दोनों के बीच में कैसा है, इसका 2 तो इसका कितना? 1। इसका मतलब सर इसका अगर 3 लेंगे तो इसको 1.5 लेना पड़ेगा। सर इसको अगर 4 लेंगे तो इसको कितना लेना पड़ता है? 1 लेना पड़ेगा, मतलब 2 लेना पड़ेगा। क्या रिलेशन समझ में आया? तो अब देखो सवाल क्या पूछेगा, एक रिएक्शन हम लोग को दे देगा, जैसे हम लोग अभी सिंपल बोल देगा कि हम लोग फॉर्मेशन कर रहे हैं वाटर का, और जो वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है वो अंदाजी अपने कुछ भी दे देगा, वो बोल देगा कि 10 मोल बन रहा है। कितना बन रहा है? 10 मोल। मतलब वो बोल देगा कि 10 मोल वाटर फॉर्मेशन करने के लिए कितना मोल हमें H2 की जरूरत पड़ेगा? बता कितना लगेगा? 10 लगेगा। कैसे सर? सबसे पहले अगर हम लोग देखो सवाल हम लिख ही देते हैं उसके बाद समझना, देखो कंसंट्रेट हो गए तुरंत समझ जाओगे कि सवाल कैसे पूछा जाएगा और इसको बनाएंगे कैसे, क्योंकि यहाँ से हर बार सवाल पूछता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में, और एंट्रेंस का तो बोलना ही नहीं है, उससे तो एकदम पूछते रहता है। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 रिक्वायर्ड to form 10 मोल ऑफ वाटर, ऐसा सवाल मान के चलो दे दिया, ठीक है। देखो सिंपल समझना, एक और मार्कर कहाँ गया? नहीं निकाले हम क्या? देखो अगर सवाल पूछा कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका? H2 का, कि कितना जरूरत पड़ेगा किसका? H2 का मोल कितना जरूरत पड़ेगा क्या करने के लिए? बनाने के लिए। कितना? 10 मोल वाटर का। क्लियर है? तो अगर हम लोग फॉर्मेशन बोला, क्या रिएक्शन कुछ दिया? नहीं, लेकिन हम लोग को इतना पता चल गया कि वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। वाटर का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो सर वाटर जो बनेगा ये कैसे बनता है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलने से। इसका मतलब सर यहाँ पे हाइड्रोजन और किसको मिलाएंगे? ऑक्सीजन, तब बनता क्या चाहिए? वाटर। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, हमेशा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में ध्यान रखना है कि जो रिएक्शन होगा, देखो रिएक्शन को पूरा रिएक्शन ना लिख करके RxN लिखेंगे, समझ आना क्या बात कर रहे हैं? रिएक्शन। तो यहां पे क्या होना चाहिए? रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, हमेशा क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। कभी भी कोई भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सवाल रहेगा उसे ध्यान देना, पहले रिएक्शन को क्या करना है? बैलेंस। क्या बैलेंस है अभी का? नहीं। इसका मतलब सर अभी इसको बैलेंस करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब कंसेप्ट समझो, अभी हम लोग समझ रहे हैं सर कि इसको अभी, अच्छा किसका किसका बात किया था? H2 और किसका? वाटर। मतलब इसका बात किया और किसका बात किया? इसका। अभी समझ रहे हैं सर जब इसका हम लोग 2 मोल लेते हैं तो ये भी बनता कितना है? 2 मोल। अरे यही ना सवाल जानते हो। अब यहाँ पे क्या हुआ, अभी वाटर बन कितना रहा है? 10 मोल। कितना बन रहा है? 10 मोल। अब यहाँ पे समझ रहे हैं कि 2 मोल बनाने में कितना कितना मोल हम लोग को जरूरत पड़ता है H2 का? 2 मोल। अभी इसका फॉर्मेशन करेंगे 10 मोल। कितना फॉर्मेशन कर रहे हैं? 10 मोल। तो 10 मोल बनाने में कितना मोल जरूरत पड़ेगा किसका?
H2 का, तो इसके लिए हम लोग चलेंगे यूनिट्री मेथड। कैसे चलेंगे? यूनिट्री। सर यहाँ पे दो मोल में इतना जाता है, तो बताइए एक मोल जब इसका फॉर्मेशन करेंगे तो इसका कितना बनेगा? तो हम लोग उल्टा जितना यहाँ रहता है उस जाकर के डिवाइड में हो जाता है। इसका मतलब सर 2/2 कितना हो जाएगा? मोल। कितना हो जाएगा ये? एक मोल। तो सर हम लोग का समझ में आ गया कि इसको एक मोल लेंगे तब हम लोग को ये भी कितना बनेगा? एक मोल। इसका मतलब सर अगर इसको 10 मोल हम लोग को बनाने की जरूरत पड़ा तो इसको कितना लेना पड़ेगा? 10 मोल। तो हम लोग को ऐसे करके क्या हो गया? समझ में आ गया। कोई दिक्कत? ऐसे समझने के लिए है, और नहीं तो हम लोग डायरेक्टली तो समझ ही जा रहे थे कि सर दो मोल तो ये भी दो मोल मतलब इक्वल इक्वल होता है। अगर इसको हम लोग 10 मोल ले रहे हैं और पूछ रहा है कि 10 मोल जब बना देंगे तो उसमें इसको कितना जरूरत पड़ता होगा? तो जब दो मोल बनाते हैं दो मोल लगता है, तो 10 में भी कितना लगता होगा? 10 ही लगता होगा। क्या बात समझ में आ गया? इसी सवाल में अगर मान के चलो पूछ देगा यहाँ पे क्या चीज O2, सेम क्वेश्चन सेम चीज, खाली पूछ दिया क्या चीज O2 का, अब कैसे बताओगे? तो सर उस समय यहाँ पे रिलेशन लिखेंगे कि इसका एक मोल लेता है तो इसका कितना बनता है? दो मोल। इसका मतलब इसका जस्ट दुगुना रहता है, तभी आधा बनता है मतलब लेना पड़ता है। तो अभी इसका कितना बन रहा है? 10। तो उसके लिए इसको कितना लेना पड़ेगा? 5 मोल। क्या जवाब दे दोगे? हाँ, एक बार क्वेश्चंस लिख लो और इसको लिख लो एक बार। तो सवाल ऐसा ही पूछता है। अभी और इसमें घुमाएगा क्वेश्चंस, अभी वेट पूछेगा, वॉल्यूम पूछेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछेगा। चलो लिख लो। देखो अब सेकेंड क्वेश्चंस, कैलकुलेट नंबर ऑफ, या फिर ऐसे कर देते हैं, हाउ मच या फिर इसको वेट वगैरह ही लिख देते हैं, कैलकुलेट मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड टू फॉर्म वाटर बन रहा था ना 54 ग्राम ऑफ वाटर। देखो इस प्रकार का सवाल पूछता है, सवाल को ध्यान से सुनो, एक बता देंगे उसके बाद दिमाग ही नहीं लगाना, चाहे कुछ भी अब सवाल दे देंगे ना तुम लोग का तरीका समझ में आ जाएगा, अच्छा ऐसा सवाल रहेगा कैसे बनाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम लोग को नंबर ऑफ मोल्स निकालने आता है, चाहे वो वेट का दिया रहे, चाहे एटम दिया रहे, चाहे मॉलिक्यूल्स वगैरह कुछ भी रहेगा, आराम से तुम लोग कन्वर्ट कर लेता था। देखो सवाल क्या बोला है, कैलकुलेट मास किसका? O2 का, कि कितना जरूरत पड़ेगा क्या करने के लिए? तो टू फॉर्म 54 ग्राम ऑफ वाटर। कहने का मतलब है कि जब वाटर बन रहा है तो बन कितना रहा है? 54 ग्राम। तो इतना बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो इसका भी वेट लगा होगा, तो कितना लगा होगा वही निकालना है। तो कभी भी इस तरह का सवाल पूछे तुरंत हमें क्या लिखना है? रिएक्शन। रिएक्शन हम लोग जानते हैं क्योंकि वाटर फॉर्मेशन हो रहा है, तो H2+O2 बन क्या रहा है? H2O। क्या बात समझ में आ गया? बैलेंस करेंगे सर 2, और यहां पर भी कितना? 2। अभी सर समझ में आया कि इसका वेट दे रखा है, वेट कितना दिया हुआ है? सर इसका वेट दे दिया है 54 ग्राम। क्लियर है? और अभी किसका पूछा है? ऑक्सीजन का, कि इसका कितना वेट होगा। अब ध्यान से सुनो, हम लोग अभी रिलेशन जान रहे थे किसके बेसिस पे? नंबर ऑफ मोल्स के बेसिस पे। अच्छा ये जानते हो कि एकर जितना वेट होगा उतना ही वेट इसका लगता होगा क्या? नहीं, क्योंकि सर एटम वगैरह हम लोग को सेम है क्या? नहीं। इसका मतलब सर इसका कुछ और मास होता होगा, इसका कुछ और मास होता होगा, क्योंकि सर वेट वगैरह के फॉर्म में जाते हैं तो उसका मोलर वेट भी सभी हम लोग मतलब डिसाइड करता है कि उसका हम लोग को मोल कितना होगा। तो इसलिए सर यहाँ पर वेट को डायरेक्टली हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से क्या समझेंगे? सर अभी अभी आप बताया कि नंबर ऑफ मोल्स का कंपेयर करना, किसका कंपेयर करना? नंबर ऑफ मोल्स। जैसे भी ऑक्सीजन और वाटर में कैसे करोगे कि इसका एक मोल लेते हैं तो ये कितना बनता है? 2 मोल। अरे इतना जानते हो ना। अब रहा बात, कभी भी अगर इन लोगों को वेट दिया रहे, क्या चीज दिया रहे? वेट। वेट रहे, वॉल्यूम रहे, नंबर ऑफ एटम्स वगैरह रहे, कुछ भी रहे, सीधा इन लोगों को कैलकुलेट करना है मोल। क्या कैलकुलेट करना है? मोल। अब यहां पे देखो, मोल जब निकालने जाएंगे कि वाटर का, ये 54 ग्राम अगर वाटर रखा है तो 54 ग्राम में कुछ ना कुछ तो मोल उसका होता होगा। अब कितना मोल होता है 54 ग्राम में, निकाल लेते हैं। तो सर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं वेट, और नीचे क्या होता है? मोलर वेट। वेट कितना दिया हुआ है? 54।
ऊपर पुट कर देंगे सर 54 ग्राम, मोलर वेट कितना होता है वाटर का, 18 होता है, करके देख लेना ऑक्सीजन का। अरे ये पूरा ना मत निकालना, सिर्फ वाटर का बात करते हैं हम लोग, मत समझ में आया। दो हाइड्रोजन मतलब दो ऑक्सीजन का कितना 16, कितना हो गया 18, बताओ डिवाइड करोगे कितना हो गया 3 मोल। इसका मतलब सर ये 54 मोल दे तो रखा है लेकिन साफ साफ हम लोग को बोल दिया 3 मोल ले रहा है। तो क्या अभी नहीं समझ रहे थे कि 2 मोल था तो 10 मोल में कितना जरूरत पड़ा था? तो हम लोग क्या ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि जब यहाँ पर इसका 1 मोल जरूरत पड़ता है तो इसको कितना जरूरत पड़ता है 2 मोल। अरे यही ना, अभी कितना आ गया 3 मोल। अगर इसको 3 मोल हम लोग यहाँ पे बन रहे तो बताओ इसकी जरूरत कितना पड़ा होगा 1.5। अरे ये समझ में आया। तो कुल मिलाकर के सर 54 ग्राम जब बात कर रहा है तो 54 ग्राम में जो ऑक्सीजन का यहाँ पे होता होगा मोल, कितना मोल होता होगा 1.5। इसका मतलब सर यहाँ जो है वेट तो हमें निकालना है लेकिन अभी हम लोग निकाल किसको लिए मोल को। तो इसका मतलब सर क्या इसका वेट नहीं निकाल सकेंगे आराम से? कैसे सर? हम लोग जानते हैं कि मोल बराबर होता है ऊपर वेट और नीचे क्या होता है मोलर वेट। वेट निकालना है तो सर हम लोग बोल सकते हैं कि वेट बराबर हो जाएगा यहाँ पर मोल और इनटू में क्या हो जाएगा मोलर वेट। क्या हम लोग को 54 ग्राम में इसका मोल नहीं निकल गया आराम से? कितना 1.5। तो यहाँ पे पुट करेंगे 1.5 इंटू मोल, मोलर वेट कितना होता है ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16, दो ऑक्सीजन का 32, यहाँ से मल्टीप्लाई कितना से करेंगे 32 से, जो भी यहाँ पे आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा इतना ग्राम। मतलब जब इसका 54 ग्राम लेंगे उस समय इसका इतना ग्राम हम लोग को जरूरत पड़ेगा, निकल गया, कोई दिक्कत। अब बात के चलो इन लोग दोनों में कुछ रिलेशन बोल देता, इसका मान के चलो 84 ग्राम ले रहे हैं क्या बनाने के लिए, वाटर बनाने के लिए। तो वाटर बनाने के लिए अगर हम लोग H2 को 84 ग्राम ले रहे हैं तो इसका भी कुछ ना कुछ तो ग्राम लेना पड़ता होगा, कितना लेना पड़ा होगा? तो इन लोग का मोल पहले निकाल लेंगे, जैसे इतना में कितना मोल होता है निकाल लेंगे तुरंत। इसका मोल और इसका मोल में किस तरह का रिलेशन है, तो इसका मोल पता चल जाएगा इसके माध्यम से। जैसे मोल निकलेगा क्या उसका वेट नहीं निकल जाएगा पहले धीरे धीरे, और नहीं तो सीधा बक आ जाओगे। ये वाला प्रोसेस समझ में आया, इसको एक बार हूबहू छाप लो तो उसके बाद बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नहीं तो सीधा तुम लोग कन्फ्यूज हो जाएगा।